मुजफ्फरपुर के SKMCH में 200 बेड वाले रेस्ट हाउस के निर्माण का कार्य जोरों पर है। भवन निर्माण विभाग पटना की तरफ से इस योजना का एक आंकड़ा तैयार कर ली गई है। हालांकि इन आंकड़ों के मुताबिक रेस्ट हाउस के भवन को बनाने में तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसको लेकर भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव इंजीनियर राकेश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है, जिसमें तैयार किए गए एस्टीमेट का पूरा ब्यौरा लिखी गई है। बता दें कि 200 बेड का ये भवन 3 मंजिल का होगा। वहीं इसका निर्माण 2813 स्क्वायर फीट के एरिया में होगा, जिसके बन जाने से यहां आने वाले मरीजों के परिजनों को काफी सहूलियत होगी। इतना ही नहीं, ऐसे मरीज जो ICU में भर्ती रहते हैं, उनके परिजनों को वहां रहने के लिए जगह मिल जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल SKMCH में मरीज के परिजनों के रहने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें अस्पताल में ही इधर उधर रहकर समय गुजारना पड़ता है। इतना ही नहीं, सुविधा न होने के कारण अधिकांश परिजनों को रात भर जगकर समय बिताना पड़ता है। बहरहाल अब SKMCH में 200 बेड वाले इस रेस्ट हाउस के बन जाने से यहां पहुंचने वाले लोगों को अब ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।